नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह संत जोसेफ स्मिताढ़ी। कल के विषय में हम लोग पढ़े थे ब्राउनियन गति और विसरण। विसरण किसे कहते हैं और विसरण क्या होता है, आज हम कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रयोग। कांच का एक बीकर लीजिए। देखिए बीकर बनाने फिगर से, फिगर तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, समझ जाना है कि क्या है बीकर है। ठीक है, समझ जाना क्या है बीकर है। ठीक है, बीकर ले लिए। बीकर की तली में पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMn4। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सूत्र है पोटेशियम परमैंगनेट का KMn4। ऐसे कह सकते हैं KMnO4, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या लेते हैं, लेते हैं परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल पतले कागज या सूखता कागज में बंद करके रख दीजिए। देखिए ये हम क्या करते हैं, चाहे फिगर देख लीजिए, फिर किताब में दिया फिगर, फिगर देख लीजिए किताब में ये है। ठीक है, इसमें क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, अब बीकर में धीरे धीरे जल भर दीजिए। इसमें क्या करना है, जल भरना है। आप देखेंगे कि बीकर की तली का जल पोटेशियम परमैंगनेट के घुल जाने के कारण क्या होता है, हल्का गुलाबी, क्या होता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। किंतु ऊपर का जो जल है, ऊपर का जल रंगहीन हो जाता है। बीकर को बिना हिलाए डुलाए इसी स्थिति में रखा रहने दीजिए। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि बीकर के तली का गुलाबी रंग क्या होता है, जल में कुछ और ऊपर तक यानी यहाँ इधर तक फैल जाता है। यदि बीकर को 2-3 दिनों के लिए इसी स्थिति में रखा जाए या तो क्या होता है, बीकर का संपूर्ण जल रंगीन, ठीक है, रंगीन अर्थात गुलाबी कलर का ही हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि पोटेशियम, ठीक है, इससे स्पष्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट के अणु अव्यवस्थित गति के कारण धीरे धीरे एक दूसरे में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है, विलीन, विलीन का मतलब मिल जाना, विलीन हो जाते हैं अर्थात मिल जाते हैं एक दूसरे में, क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अर्थात हवा में किसी वाष्प, वाष्प मतलब क्वेश्चन में उसको आप लोग गैस भी कर सकते हैं, हवा में किसी गैस के विसरण की दर जल में पोटेशियम परमैंगनेट के विसरण की दर से अधिक होती है। यहाँ लिख दीजिए कि हवा में किसी वाष्प, ठीक है, वाष्प के विसरण, के विसरण, ठीक है, के विसरण की दर, ठीक है, क्या होता है, जल में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के विसरण की दर से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो हम इस प्रयोग में क्या देखें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो वाला भाग है क्या होता है, हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों में भी विसरण होता है। देखिए ये नहीं कि केवल द्रव में ही होता है या वाष्प में ही होता है, ठोस जो हमारे हैं, ठोस पदार्थों में भी विसरण होता है, ठोस पदार्थों में भी क्या होता है, विसरण होता है, केवल द्रव में और गैस में ही नहीं। ठीक है, ये मत समझिए केवल द्रव ही गैस में, ठोस भी आएगा तो ठोस में भी। यदि एक शून्य, जैसे इसका भी प्रयोग देख लेते हैं, देखो जिसका प्रयोग देखिए कैसे होता है, इसका प्रयोग यदि एक शून्य तथा शीशे की दो प्लेट, एक शून्य तथा शीशे की दो प्लेट की सतहों पर को समतल, समतल मतलब चिकना, समतल का मतलब होता है चिकना, ठीक है, चिकना करके आपस में भली प्रकार साफ कर तथा दबा कर रख दिया जाता है। क्या करके, साफ करके और दबा कर रख दिया जाता है लगभग 2-3 वर्षों की अवधि के बाद। देखिए ये 1-2 दिन की बात नहीं है,
लगभग 2 से 3 वर्षों के बाद दोनों प्लेटों को अलग करके देखने पर क्या पता चलता है? जब अलग हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि सोने के प्लेट पर शीशे के कुछ कण तथा शीशे की प्लेट पर सोने के कुछ कण दिखाई पड़ते हैं। देखिए, सोना और हम शीशा लिए हैं ना, तो क्या करेंगे 2-3 साल बाद देखेंगे कि शीशा वाला जो प्लेट है उस पे सोने के कण और सोना वाला जो प्लेट है उस पे शीशे के कण क्या होंगे, शीशे के कण क्या होंगे दिखाई देंगे। ऐसा दोनों धातुओं के अणुओं के विसरण कारण होता है। प्रश्न आएगा कि शीशे वाले पे सोना और सोने वाले पे शीशा, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि ये दोनों क्या है, धातुओं के अणुओं के विसरण के कारण, इसके कारण विसरण के कारण ही ऐसा होता है। अतः इन आधारों से स्पष्ट होता है कि विसरण गैसों में अत्यधिक तेजी से क्या होता है, कि विसरण जो होता है गैसों में अत्यधिक तेजी से द्रवों में क्या होता है, द्रवों में गैसों की अपेक्षा धीमा तथा ठोस में गैसों तथा द्रवों की अपेक्षा अत्यधिक धीमा होता है। क्या होता है कि गैसों में अधिक, सबसे अधिक गैसों में होता है, सबसे अधिक क्या होता है गैस में होता है विसरण, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में। तो सबसे पहले क्या होता है गैस में, सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, क्रम अनुसार उसके बाद द्रव में होता है तथा ठोस पदार्थों में। जब ठोस की बात आएगी तो इनका और इनकी अपेक्षा अधिक धीमा, यानी कि इन दोनों से धीमा किसमें होता है, ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, लेकिन जब ठोस में आएगा तो इन दोनों से कम क्या होगा, ठोस में होता है। ठीक है, ब्राउनियन गति तथा विसरण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव तथा गैस सभी पदार्थों के अणु अव्यवस्थित रूप से गति करते हैं। क्या करते हैं, अव्यवस्थित रूप से गति करते हैं। अव्यवस्थित का मतलब हम कल बताए थे, कल के वीडियो में हम बताए थे कि अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है। अव्यवस्थित का मतलब होता है कि एक ओर से दूसरे ओर, इधर से उधर, किसी भी दिशा में क्या होता रहता है। तो ये था आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।